लव यू इज़ माई फॉल्ट चैप्टर 51। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चेंजिंग की रिकॉर्डिंग मिस्टर लेन सुन लेते हैं जिसमें कि आवाज़ आ रही होती है, डैड मैं आपको चूज करूँगा और मैं आपको बचाऊँगा। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोबाइल से आवाज़ आ रही होती है, डैड मैं जरूर आपको बचाऊँगा। ये सुनकर मिस्टर लेन चौंक जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है आखिर मैं चेंजिंग कहना क्या चाह रहा है। मिस्टर लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम किसी को चेंजिंग के पीछे भेजो और देखो वो कहाँ गया है। गोकुइंग बोलता है, लेकिन ग्रैंडपा आए हुए हैं। मिस्टर लिन बोलते हैं, ग्रैंडपा मेरी मदद नहीं कर सकते, जाओ और उसे जाकर ढूंढो। मिस्टर लिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, उस छोटे बच्चे ने सच में ही मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। सीन चेंज होता है, हमें चेंजिंग दिखाया जाता है जो कि बाहर आ गया होता है और उसके मन में चल रहा होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं घर से अपना वॉलेट लाना भी भूल आया हूँ और अपना फ़ोन भी भूल आया हूँ और मुझे भूख भी काफ़ी लगी है। चेंजिंग जा ही रहा होता है तभी वो कुछ आहट नोटिस करता है और पीछे की ओर देखने लगता है, कोई उसे फॉलो कर रहा था। चेंजिंग नोटिस करता है और जाकर छुप जाता है, मगर वो लोग चेंजिंग को ढूंढ रहे होते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। चेंजिंग सोचता है, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। तभी चश्मा लगाकर एक आदमी आता है जिसने की ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो बोलता है, हेलो किड। वो चेंजिंग को तेजी से पकड़ता है और चेंजिंग उसको किक करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये लो। और चेंजिंग वहां से भागने लगता है तभी वो इंसान पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, उसका पीछा करो, उसे भागने मत देना। चेंजिंग चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मैं तुमसे दोबारा पकड़ा गया तो मेरा भी नाम चेन नहीं। तभी सामने से एक इंसान आता है और चेंजिंग के फेस पर पंच करता है और पीछे से आकर दो लोग चेंजिंग के हाथ पकड़ लेते हैं और चेंजिंग चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रदर हमें आपस में बात करने की जरूरत है। चेंजिंग मन में सोचता है, मुझे फिर से पागल बनना पड़ा। और वो लोग चेंजिंग को उठाकर ले जा रहे होते हैं तभी चेंजिंग बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। चेंजिंग बेहोश हो जाता है तभी एक आवाज़ आती है और वो इंसान बोलता है, बहुत अच्छा अब इसे कार में ले जाओ। वो इंसान जिशुआन था और वो बोलता है, और लिन का इंतजार करो। सीन चेंज होता है, चेंजिंग रूम में बंद पड़ा होता है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं। अचानक से उसे होश आता है और वो अपनी ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, मुझे इस तरह से किसने बांधा है, क्या कोई चोर है या फिर लिन फैमिली के पुराने लोगों में से कोई है जो कि ये ट्रिक प्ले कर रहा है। तभी एक इंसान दरवाजे से आता है और चेंजिंग को देखते हुए बोलता है, ओह तुम उठ गए। नेक्स्ट चैप्टर। चेंजिंग उस इंसान को देखता है और बोलता है, तुम कौन हो तुम। वो इंसान पास आता है और चेंजिंग के चीक्स को पिंच करता है और बोलता है, तुम अच्छे दिखते हो। हाँ इसमें कोई शक नहीं है, सामने वाला इंसान तुम्हारे फेस के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। चेंजिंग चौंक जाता है और वो मन में सोचता है, क्या ये मिस्टर लिन की बात कर रहे हैं। तभी पीछे से एक और इंसान आता है जो कि बोलता है, डेरेक तुम बाहर जाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो इंसान जिशुआन था। चेंजिंग उसकी ओर देखता है और सोचता है, लिन जिशुआन। डेरेक जाते हुए जिशुआन की ओर देखता है और बोलता है, ज्यादा सख्ती मत बरतना, इसको बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव करने दो और हम इसके पिता से पैसे एक्सचेंज कर लेंगे। चेंजिंग अपना फेस घुमा लेता है और बोलता है, बहुत समय हो गया अंकल, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगा। जिशुआन चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, मुझे तुम्हारे हिपोक्रेट एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो आगे बढ़ता है, चेंजिंग के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि ऐसे ही भटकता रहता है, अब तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो। चेंजिंग जिशुआन की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं और आप एक जैसे ही तो हैं, तुम इतना इनोसेंट होने का नाटक क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम ज्यादा ही बिगड़े हुए कुत्ते लग रहे हो आजकल, मुझसे ज्यादा। जिशुआन तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, चुप हो जाओ। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, ओ तो ये वही हाथ है जिसको मेरे डैड ने जख्मी कर दिया था गोली के साथ में। जिशुआन तेजी से चिल्लाता है और बोलता है, तुम चुप हो जाओ। और वो चेंजिंग को स्लैप करता है और चेंजिंग को किक करते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती थी, अब मेरा हाथ पेन भी नहीं पकड़ सकता, ये सब तुम्हारी गलती थी, ये अब यूजलेस हो गया है, मेरे पिता को तुम्हारे पिता द्वारा मार दिया गया और मेरे भाई को तुमने पागल बनाया और थर्ड अंकल और यंगर अंकल को भी ग्रैंडपा द्वारा
मोनिटाइज किया जा रहा है। तुम और तुम्हारा लिन दोनों ही मरना डिजर्व करते हो। जिशुआन चेंजिंग का गर्दन पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है। चेंजिंग तेजी से खांसने लगता है। तभी जिशुआन को डेरिक आकर पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, स्टॉप। जिशुआन तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है, डेरिक। डेरिक बोलता है, मरा हुआ इंसान इतना यूजफुल नहीं है जितना कि एक जीवित इंसान। पैसे भी, मैं पैसे चाहता हूँ। जिशुआन तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, छोड़ो मुझे। डेरिक बोलता है, ओह सॉरी। तुम बस इस बात का ख्याल रखो कि इसके बदले में लिन जिशुआन तुम्हें ज्यादा सी पैसे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डेरिक जाते हुए बोलता है, इस पर ध्यान रखना, इसे भागने मत देना। चेंजिंग वहीं पर रहता है और खांस रहा होता है और बोलता है, ये पहले से ज्यादा दुख रहा है। पहले मुझे पीटा गया था, इस बार उससे ज्यादा पीटा गया है और मेरे ऊपर से खून की स्मेल आ रही है और उस इंसान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं गंदा रहूं। चेंजिंग मिस्टर लिन की बात कर रहा होता है और तभी विंडो खुली होती है और उसे हवा आने लगती है जिससे कि चेंजिंग को सर्दी लगने लगती है। नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हमें दिखाते हैं कू क्विंग मिस्टर लिन के पास में आता है और उनसे बोलता है, चेंजिंग की जगह का पता चल गया है जहां उसे रखा गया है, लेकिन वहां के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। मिस्टर लिन अपने कोट को ठीक करते हुए बोलते हैं, किसने किया है ये? गु क्विंग गुस्सा होते हुए बोलता है, ये लिन जिशुआन ही है। मिस्टर लिन गुस्से में बोलते हैं, उसे ढूंढो, इस बार उसका हाथ नहीं तोड़ना है, उसको खत्म कर देना है। मिस्टर लिन बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, तभी उनका फोन बजता है। वो एक अननोन नंबर था। मिस्टर लिन समझ जाते हैं ये जरूर उधर से ही कॉल होगा। इधर डेरिक सोच रहा होता है, वो बहुत ही शांत है, कॉल का जवाब नहीं दे रहा। चेंजिंग और जिशुआन दोनों एक साथ में चुप खड़े होते हैं। तभी डेरिक बोलता है, हेलो। मिस्टर लिन बोलते हैं, कौन? डेरिक बोलता है, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। मिस्टर लिन सिगरेट पीते हुए गुस्से में बोलते हैं, मेरे बहुत से बच्चे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? डेरिक बोलता है, तुम्हारा बड़ा बच्चा। डेरिक चेंजिंग के सर को पकड़ता है और उसके बालों को खींचते हुए बोलता है, इधर आओ और बोलो। चेंजिंग मोबाइल की ओर देखता है और मिस्टर लिन की भी सांसें रुक जाती हैं, वो भी घबरा जाते हैं। तभी मिस्टर लिन को वूह की आवाज आती है और मिस्टर लिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अच्छा कुत्ता है। डेरिक चेंजिंग को स्लैप करता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या? डेरिक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो 100 बाइट डायमंड प्रिपेयर करके रखो और 20 मिलियन डॉलर कैश भी प्रिपेयर करके रखो और हमसे प्रॉमिस करो कि तुम हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, और कॉल कट कर देते हैं। डेरिक गुस्से में फोन को फेंक देता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। डेरिक चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे तो लगता था तुम उसके बेटे हो, लेकिन देखो क्या हुआ, वो तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं करता, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने और मरने से। लिन जिशुआन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, एक बार फिर से कॉल करते हैं और हम अपना प्राइस नीचा कर लेंगे, प्राइस कम करने से शायद वो मान जाए, क्या पता वो मान जाए और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को नहीं भेजे। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, सपने देखना छोड़ दो। तभी जिशुआन गुस्से में आता है और चेंजिंग को पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे मत बताओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तुमने उसको कोई तो क्लू दिया है। चेंजिंग बोलता है, हाँ कुत्तों वाली बातें। तभी जिशुआन तेजी से चिल्लाता है, उसको कॉल करो अभी, अगर वो पैसे नहीं देता है मैं अभी इसको मार दूंगा। तभी चेंजिंग पीछे से जिशुआन को पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और वो जिशुआन की जेब से गन निकाल लेता है और ड्रेक की ओर करते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगता है। तभी डेरिक अपने हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। चेंजिंग खिड़की की ओर जाता है और बोलता है, क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया तो, और वो खिड़की से कूद जाता है। डेरिक खिड़की की ओर आकर देखता है और बोलता है, हाँ मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। चेंजिंग दौड़ते दौड़ते हाँफने लगता है और उसे दौड़ते दौड़ते टेलीफोन बूथ दिखाई देता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और वो वहां पर पहुंचकर सोचता है, फाइनली मुझे कुछ तो मिला। इधर मिस्टर लिन चिंता में बैठे हुए होते हैं। तभी उनका फोन बजता है
और मिस्टर लिन चौंकते हुए जल्दी से फोन उठाते हैं और बोलते हैं, हेलो चेंजिंग, और बोलते हैं, फॉर्चुनेटली तुमने आंसर दिया वरना मेरा फोन तो यूजलेस था। चेंजिंग बोलता है, आप कहाँ हो? और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे ढूंढ लोगे, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिस्टर लिन फोन से चिल्ला रहे होते हैं, हे चेंजिंग चेंजिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर लिन चेंजिंग के पास पहुंच गए हैं और चेंजिंग को अपनी लैब पर लिटाया हुआ है। तभी चेंजिंग की आंख खुलती है और वो बोलता है, डैड, और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं जानता था आप मुझे ढूंढ लेंगे। सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें कि चेंजिंग बेड पर लेटा हुआ था और मिस्टर लिन नर्स से बातें कर रहे थे। नर्स बोलती है, बस ज्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी सी स्क्रैच है और थोड़ी सी चोटें हैं और हमें इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट आने का। लेकिन पेशेंट को हाई फीवर है, अगर ये रात तक नहीं जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर लिन बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया। चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखते हुए बोलता है, वो आई एम सॉरी, मैंने आपको फिर से परेशानी में डाल दिया। और चेंजिंग बेड से उठने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, इसी वजह से मैं पकड़ा गया। मिस्टर लिन चेंजिंग के करीब आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, लेट जाओ, हिलने की कोशिश मत करो। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन की ओर देखते हुए बोलता है, डैड। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, पहले मुझे बताओ उन्होंने तुम्हें क्यों हिट किया? कोई भी छोटी सी बात भी छुपी नहीं रहनी चाहिए, सारा कुछ बताओ। चेंजिंग जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, तुमने सुना ना इसने क्या कहा, अब जल्दी करो। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ। तभी चेंजिंग बोलता है, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए आए थे। मिस्टर लिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। और मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं, लेकिन इस बार वो तुमको टच भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है अब तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तभी चेंजिंग मिस्टर लिन का कोट पकड़ लेता है और उनकी ओर देखने लगता है और बोलता है, बच के रहना डैड। मिस्टर लिन स्माइल करते हैं और चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं, ओके माय डियर सन। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिन अपना काम खत्म करके वापस हॉस्पिटल लौट रहे हैं और वो एक पेपर का टुकड़ा फेंकते हुए बोलते हैं, इस सब को साफ कर दो। पीछे खड़ा इंसान बोलता है, ओके सर। मिस्टर लिन चेंजिंग के रूम में जाते हैं तो देखते हैं चेंजिंग ठंड से कांप रहा होता है और उसे ठीक से नींद नहीं आ रही होती है। मिस्टर लिन चेंजिंग के पास जाकर उसका सर चेक करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसका फीवर अभी भी कम नहीं हुआ है। तभी वो सोचते हैं कि उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वो जा ही रहे होते हैं कि चेंजिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, डैड मत जाओ, सर्दी है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है डैड। मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मेरा बेटा कितना केयरलेस है, और वो अपना कोट निकाल देते हैं और चेंजिंग के पास जाकर लेट जाते हैं और बोलते हैं, अगर तुम आज इस फीवर से नहीं निकल सकते तो डैड तुम्हारे साथ रहेंगे। और चेंजिंग मिस्टर लिन को हग कर आराम से सो जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे की स्टोरी के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।